नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, श्रावण मास चल रहा है। उस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, अपनी किस प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण की जाए, इसके संदर्भ में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, बहुत सारे उपायों की श्रृंखला हम चला रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे श्रावण मास में या अन्य कभी भी किसी भी समय काले तिल से भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, यदि आप हमेशा बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार बना रहता है, बीमारी का अंत ही नहीं हो रहा है, या आपके घर में पैसों की बरकत नहीं होती है, यानी पैसा आता है लेकिन चला जाता है, कोई व्यसन करता है या जुआ खेलता है, यानी किसी न किसी रूप में, या किसी की दुर्घटना हो जाती है, कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है, यानी किसी न किसी रूप से आप कितना भी पैसा कमाए लेकिन आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती है, पैसा आपका खर्च होते हुए चला जाता है। ऐसी स्थिति में कि आपके घर में स्वास्थ्य भी ठीक रहे, यदि किसी ऊपरी बाधा से आप ग्रसित हैं तो वो ऊपरी बाधा भी दूर हो जाए और आपके घर में पैसे की बरकत होने लगे, इसके लिए आपको क्या काम करना है। जैसे कि अभी श्रावण माह चल रहा है, आप किसी भी सोमवार को या प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, या किसी भी प्रदोष में जब प्रदोष का व्रत आता है उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह लिंग पुराण एवं शिव पुराण में काली तिल का उपाय बहुत अच्छे से वर्णन उनका दिया हुआ है। तो काली तिल का किस प्रकार से प्रयोग करना है भगवान शिव के लिए, वो आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या काम करना, एक लोटे में आपको थोड़ा सा दूध ले आना है और उसमें पानी डाल देना, यानी दूध और पानी दोनों को मिक्स कर देना है, और फिर थोड़ी सी रोरी लेकर के उसमें कपूर मिक्स कर दें, पीस लें उसमें, और फिर उसमें थोड़ी सी आप काली तिल डाल दें, और काली तिल डालने के बाद में आप उस लोटे में उसको उस सामग्री को डाल दीजिए जिसको आपने मिक्स किया है, यानी कपूर, रोरी और काली तिल, उसको जो है ना आप लोटे में डाल दीजिए, और उसके पश्चात में भगवान शिव को जो है आप अर्घ दे दीजिए, उसका ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप जो है उससे यदि आप अर्घ देंगे और उसके बाद शुद्ध जल से अर्घ दे करके बिलपत्र चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना को आप दोहराते जाइए। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है या आपके घर में बरकत नहीं होती है या आपके ऊपर आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र इत्यादि का प्रयोग, तो उस प्रकार से यदि आपको कुछ है तो आप भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए और उसका जल को जो है आप उनको अर्पित कर दीजिए। श्रावण मास में आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या दो सोमवार बचे उनमें भी आप कर सकते हैं, या प्रदोष में आप कर सकते हैं। बाकी समय में आप प्रदोष के दिन जो है इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक छोटा सा उपाय इसके लिए आप जरूर करके देखें, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। ओम नमः शिवाय।